something. क्यों? क्या हो भैया? यार अजीब से लग रहा है यार, जैसे ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा है उसे। सच में? बोले ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है इस तरफ से। देखने की ये तो सीढ़ी है यार भैया, ऐसा भी अजीब से लग रहा है। आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी लोकेशन। बहुत ज्यादा खतरनाक। भैया 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 ये क्या बोल रहे हैं? मेरा गण है बहुत ही खराब। गण खराब आपके? हाँ, और अगर आपको वो दिखे तो उसको रोका टोकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो क्या होगा? नहीं भैया, मेरी जान खतरे में आ जाएगी। आपको हाँ जोड़ के निवेदन है भैया। भैया ये सही बोल रहे हैं, अपन तो क्या ऐसे हॉन्टेड लोकेशन शूट करते रहते हैं। ठीक है भैया। दोस्तों आज की लोकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पीछे अभी जस्ट क्या हुआ है आपने अपनी आंखों से देखा होगा। ये कहना है संजय भाई साहब का, जो कैमरे के पीछे है, जो ये लोकेशन विजिट कराने के लिए है। इनके हैं घर खराब और कहते हैं कि यहाँ पे इनको जो चीज आज देखने के लिए मैं आया हूँ, जो चीज दिखाने आया हूँ आपको, वो चीज अक्सर यहाँ पे रात में इनको दिखी है। मगर इनका कहना है अगर वो चीज आज आपको दिखती है तो प्लीज ना रोकना ना टोकना, नहीं तो इनकी मौत तय है। दोस्तों आज की लोकेशन है बॉलीवुड जगत से जुड़ी हुई। इस लोकेशन के ऊपर आज के सही 7 साल पहले एक शूटिंग होने वाली थी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म की। खुद सलमान खान इस लोकेशन के ऊपर आ चुके थे और जिस दिन यहाँ पे शूटिंग शुरू होने वाली थी उसी रात में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी टीम बॉलीवुड को यहाँ से खाली करके जाना पड़ा। जो चीज यहाँ पे नजर आती है कहते हैं कि वो एक रानी की आत्मा है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे इनके साथ में, जो कैमरे के पीछे इनके साथ में कहा, कई लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे दूसरी रानी की आत्मा है। जो राजा जी थे उनकी 2 रानियां थी, इनका कहना है कि पहली वाली थी। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इस लोकेशन के ऊपर अभी तक आग जल रही है, ये खतरे का साइन हो सकता है। आप खुद सोचो जो बॉलीवुड पूरी टीम थी उनको यहाँ से जाना पड़ा, कितनी खतरनाक लोकेशन हो सकती है ये। मगर फिर भी सिर्फ आप प्यार जो देते हो मुझे, उस प्यार के लिए ये लोकेशन विजिट करने के लिए मैं आया हूँ संजय जी भाई साहब के साथ में। संजय जी भाई साहब बेफिक्र रहूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप कोई भी चीज़ अगर नजर आती है, हमारा काम है कैमरे में दिखाना, ठीक है? आ जाओ। कौन है? कौन है? ये बजरंगबली भगवान रक्षा करना भाई, इसको ऊपर से मत निकलना। ठीक है भैया। कौन है भैया? वो कौन है? भैया आगे बोल, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है। ये संजय जी ये चीज है, मैं चलूंगा बेफिक्र जितेंद्र भैया। वो गायब हो गई? गायब नहीं हुई है, उस तरफ गई है। संजय जी भैया का कहना है कि अगर इसको किसी ने भी टोका रोका तो फिर जान खतरे में आ सकती है। आराम से भैया, आप आराम से। दोस्तों जैसे एंटर हुए इस चीज का दिखना एक खतरे का साइन हो सकता है। और संजय जी भाई साहब का कहना है कि हर रोज यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर इसकी आत्मा भटकती है। लोकेशन का नाम बता दो दोस्तों, आज के
दो साल पहले इस लोकेशन को विजिट करके जा चुका हूँ, मगर यहाँ बिना बताए मैं अंदर घुसा था और रियल में यहाँ पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई ये स्टोरी है, ये मुझे पता नहीं था भाई। कल्याणगढ़ फोर्ट, ये मैं आज मध्य प्रदेश में खड़ा हूँ। संजय जी आपके पास में वो सेफ्टी है ना? हाँ, मेरे जो दिल बिल्कुल भी आया है। पक्का ना? पक्का, आप अपना जाने का दिया, बेफिक्र रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा। और आपने हमें जो कहा ना उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे, ना रोकेंगे ना टोकेंगे, हमारा काम है कैप्चर करने का। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? चलो, नहीं बोला था यार, बहुत खराब करना है भैया। क्या हुआ था आपको? ऐसा लगा जैसे वो मेरे छाती के ऊपर किसी ने पंच करा हो। लगे तो नहीं आपके पंच? खुला वाजिब है भाई, चीज सामने थी बिल्कुल, नहीं लगा भाई। नहीं भूल रहे हो, मुझे शक्ति देना, मैं अंदर जा रहा हूँ। भगवान बजरंगबली भगवान मुझे शक्ति देना। देखो हम आपसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। भैया यार सावधानी से भैया, इस तरह की आई थी यार आवाज, आवाज। संजय जी आवाज सुनी ना आपने भी? इस तरह पे भी आराम से करो। इसको मैंने पहले भी देखा है, पहले भी देखा, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है बिल्कुल भी। संजय जी मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ इससे, जब तक बात नहीं करेंगे जब तक इसको मुक्ति नहीं मिल सकती यहाँ से। आप चाहते हो ना इस चीज को मुक्ति मिले? आराम से भैया, मुझे पता नहीं है आप कौन हो, ना मैं आपका नाम जानता हूँ। हमने केवल इतना सुना है कि आप यहाँ की रानी थी। देखो हमें नुकसान मत पहुँचाना, हमारे पीछे मत आना। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आज कई सालों से वर्षों से आप यहाँ पे भटक रहे हो, हम किसी को भी यहाँ पे हार्म पहुँचाने नहीं आए, हम केवल आपको देखने आए थे। और संजय जी ने जो भी हमें बात बोली है उसके ऊपर खरे उतरेंगे। क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? जी तो भी आराम से। ओ भाई इसके पैर देखे? हाँ भैया, पैर उल्टे थे भाई, पैर उल्टे थे, देखो 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 पैर उल्टे, पैर उल्टे हैं भाई। भैया ये रानी की आत्मा नहीं है? पता नहीं है मुझे, मुझे भी कंफर्म नहीं है, ना पूरे गांव वालों को पता है, गांव वाले खुद कंफ्यूज है। दोस्तों जिसको भी बोलना है बोल देना भाई, डर लग रहा है आज, डर लग रहा है कसम खा के बोल रहा हूँ भाई। संजय जी बोल रहे हैं कि कई लोग यहाँ पे मौत के घाट उतर चुके हैं। भैया डर लग रहा है मेरे को, आवाज आवाज, डर मुझे भी लग रहा है, कसम खा के बोल रहा हूँ डर मुझे भी लग रहा है। मगर देखते हैं ये जाती कहाँ पे है, ठीक है? संजय जी मुझे पता है आपने पैर को पहले साइन दे दिया कि जो लोकेशन है उसके सब पीछे की तरफ सबसे ज़्यादा खतरा है, मैं ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाऊँगा, केवल मुझे ये चीज़ देखनी है कि वो चीज़ कहाँ पे गई हुई है, ठीक है?
हो भैया? क्या हो आप भैया? यार आप ऐसे कर रहे हो, मेरे को और ज्यादा डर लग रहा है भाई। ये कंपन जो मुझे महसूस हो रही है ना यहाँ खड़े होने के बाद में, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप जैसे अंदर आओगे ना, तब इसको प्रभाव जो इसकी ताकत है ना, उसका अंदाजा होगा अभी आपको। आपके हाथ पैर दूजेंगे, मेरे हाथ पैर दूज रहे हैं आप। ठीक है भैया। यार ये ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर तो नहीं गई? इधर तो नहीं है, देख लो आप। आ जाओ एक बार, कैमरा लेके आओ। इधर तो कोई नहीं। ऊपर की तरफ संजय जी, ऊपर। संजय जी साथ में छोड़ना। हाँ ऊपर। हाँ भैया ऊपर वाला एरिया। हाँ एक बार। अरे यार ये क्या है भैया? ऊपर ऊपर ऊपर। ओ भैया ओरी 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 वो तो वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है। भैया इसको पहले देखो जाती कहाँ पे है, इसको जाने दो। पहले एक बार डिसाइड करते हैं कि ये जा कहाँ पे रही है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है संजय जी, अगर मैं गलती से इसको टोक दूँ कर दूँ तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है क्या? भैया नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन बच गया। इसको मुक्ति दिलाने की किसी ने कोशिश नहीं करी आज तक? नहीं भैया, जिस किसी ने भी की है वो देख लो, टिकट कट गया उसका। टिकट कट गया उसका, मगर हम कोशिश करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे। आजा हम करेंगे इससे बात। अब भैया आप जो भी करो थोड़ा सावधानी से करना है। बिल्कुल संजय जी, बात करने से ही पता चलेगा ये आत्मा चाहती क्या है, समझ रहे हो? क्लियर विजुअल है, क्लियर दिख रही है, साफ दिख रही है। अभी कंफर्म नहीं है कि ये रानी की आत्मा ही है। अगर आपको कंफर्म करवाना है ना तो मुझे उससे बात करने दो एक बार, समझ रहे हो? बात करेंगे, हो सकता है कन्फर्म हो। लेकिन हाँ बिल्कुल आसपास है। भैया यहाँ से निकलो, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, निकलो भैया। भैया क्या हो रहा है? मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो, छोड़ दो मुझे। भैया क्या हो रहा है? जित भैया, यार भैया गुरुजी, गुरुजी की, गुरुजी का सही कहा यार, बात नहीं कर सकते इससे।
जैसे ही इरादा करा इससे बात करना, इसने मुझे काबू में कर लिया। मेरे हाथ में अगर गुरुदेव की सेफ्टी नहीं होती ना, पता नहीं क्या होता। विजेंद्र भाई, इसलिए कहा था आप दूर रहो इससे। बिल्कुल सही कहा भैया। फटाफट निकलो यहाँ से। हाँ भैया। हाँ भैया।